मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो दोषी हैं तो उन्हें गिरफ्तार करें, समन भेजकर पूछताछ क्यों करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। उन्होंने पूछा कि ईडी और बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा क्यों बढ़ा दी गई है, किससे डर लगता है उन्हें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार के विकास के लिए केंद्र से पैसे मांगती है तो ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है। जीएसटी लगाकर राज्यों को पंगु बनाने का काम केंद्र कर रही है और इनके व्यापारी साथी अरबों खरबों कमाकर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से व्यापारी है, व्यापारी का चरित्र लेने वाला होता है जबकि हेमंत सरकार का चरित्र देने वाला है, इसलिए हेमंत सरकार ने 1932 और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के बुलावे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस राज्य को पाने के लिए हमने 40 वर्षों तक संघर्ष किया है, छोटे छोटे संघर्षों से डरने वाले हम नहीं हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करने को कहा। उन्होंने गुजरात में बसे झारखंड के आदिवासियों को भी आह्वान किया और कहा कि वो संकल्प लें कि वहां एक भी आदिवासी सीट बीजेपी को नहीं जानी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन को भेजे गए समन को लेकर रांची स्थित ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। बुधवार को ईडी कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों का भी लगातार मजमा लगा रहा। इसी बीच सीएमओ से एक व्यक्ति गाड़ी से ईडी दफ्तर पहुंचा। माना जा रहा है कि सीएम अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए ईडी से वक्त मांगा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। आरजेएस सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में आरजेएस का एक प्रतिनिधिमंडल ओबीसी आरक्षण को लेकर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा। सुदेश महतो ने कहा कि पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण नहीं मिल पाया था और अब सरकार ने नगर निकाय चुनाव की घोषणा की है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आरजेएस का प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। आरजेएस सुप्रीमो सुदेश महतो ने विशेष सत्र से संबंधित सवाल पर कहा कि अगर विशेष सत्र ओबीसी आरक्षण और स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए बुलाया गया है तो इसका समर्थन करेंगे। वहीं ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद एक संवैधानिक पद पर हैं, अगर ईडी की तरफ से बुलावा आता है तो उन्हें अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लगता है कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण कार्रवाई हो रही है तो आगे सुप्रीम कोर्ट का वो रुख कर सकते हैं। सरायकेला थाना परिसर स्थित बालमित्र कक्ष में मोहन मुर्मू नाम के एक नाबालिग ने बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर को ही गोहिरा गांव के रहने वाली एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 27 अक्टूबर को लड़की को उसके कथित प्रेमी मोहन मुर्मू के साथ पकड़कर परिजन थाने लेकर पहुंचे थे, जहां लड़की के परिजनों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया जबकि लड़की को अपने साथ वापस ले गए। इस बीच युवक के परिजनों के आने तक उसे थाने में ही रखा गया, जहां 3 दिन बाद युवक ने बालमित्र कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पाकुड़ पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर महेशपुर थाना क्षेत्र के अमलागाछी स्थित दुर्गा स्टोन क्रशर के कार्यालय में लूटपाट का आरोप है। गिरफ्तारी के बाबत पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 नकाबपोश अपराधियों ने दुर्गा स्टोन क्रशर के कार्यालय में घुसकर स्टाफ के साथ मारपीट की और 1,25,000 रूपए लूट लिए। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया और वारदात में शामिल दूसरे साथियों का भी नाम बताया है। जमशेदपुर के हो समाज ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने का निर्णय लिया है। दरअसल हो समाज अपने जाहिर स्थान में पूजा करने के अधिकार को लेकर मुख्यमंत्री का विरोध कर रहा है। मुंडा संताल के आपसी विवाद को लेकर बालीडी जाहिर स्थान में पूजा और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। हो समाज कल्याण समिति ने कहा कि 2-3 दिनों में अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो 7 नवम्बर को होने वाले मुख्यमंत्री कार्यक्रम का वो विरोध करेंगे। रांची के रानी अस्पताल में 26 दिन की बच्ची के पेट से 9 भ्रूण मिले हैं। 10 अक्टूबर को बच्ची का जन्म हुआ था। डॉक्टर इमरान की टीम ने सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टरों की माने तो पूरी दुनिया में पहली बार ये घटना हुई। अब तक दुनिया में 100 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें से बच्चों के पेट से 1 भ्रूण पाया गया, जबकि इस मामले में बच्ची के पेट से 9 अविकसित भ्रूण मिले हैं। मेडिकल भाषा में इस बीमारी को फिट्स इन फीटू कहा जाता है। बच्ची का परिवार रामगढ़ का रहने वाला है। रामगढ़ में खाटू श्याम का भव्य श्रृंगार कर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। रथ पर निकाले गए खाटू श्याम की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जुलूस का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में इत्र वर्षा, बाबा का अलौकिक श्रृंगार, अखंड ज्योति, 56 भोग, फूलों की होली और विशाल भंडारा आकर्षण का केंद्र रहा।